दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो आल्मिक्स में। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो मैं नदी किनारे में आया हुआ हूं और यहां पे मुझे एक बहुत ही औषधि चमत्कारी औषधि नज़र आ रहा है और आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो आज मैं आप लोगों को इसी पौधे के बारे में बताऊंगा, तो बने रहें वीडियो में, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही खास इंटरेस्टिंग जानकारी है, आपको जीवन भर इसकी काम आने वाला है। आज के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत हर किसी को लगभग पड़ जाती है कभी कभी। तो आज मैं आप लोगों को इसके बहुत से जानकारी देने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आप इसे देख करके पहचान लीजिए, ये जो पौधा है नदी किनारों में और जहाँ पे पानी का जमाव ज़्यादा होता है वहाँ नमी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। अब मैं आप लोगों को इसके फूल भी दिखा रहा हूँ, इसमें फूल अभी नहीं लगा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें फूल है इसका, तो ये फूल बहुत अच्छे से सुंदर दिखाई देता है। ये इसका फूल है, देख लीजिए और अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। आपने इसको कभी भी नदी नाले तालाब के किनारे अक्सर देखा होगा नहरों में। तो इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, मस्त कोमल कोमल चिकनाहट युक्त रहते हैं इसके पत्ते, तो आप इसे देख करके पहचान लीजिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके नाम की, तो इसके तो बहुत सारे नाम हैं, इसके मैं अगर नाम बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसके एक दो नाम बता दे रहा हूँ जो हमारे छत्तीसगढ़ी देहात भाषा में इसको बोलते हैं, मछुआरिन और मछपालनी, इस प्रकार से कई प्रकार के नाम हैं। अगर इसका बॉटनिकल नाम चाहिए, वैज्ञानिक नाम, तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, अगर कमेंट करोगे तो उसको अभी नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप देख लीजिए, इसे पहचान लीजिए। अब इसके गुणधर्म के बारे में चलिए बताता हूँ आपको। दोस्तों जैसे इसका पत्ता देख रहे हो और इसके फूल देख रहे हो, तो इसके फूलों को यदि आप कूट पीस करके पेस्ट बना करके इसमें हरड़ के पत्ते मिला करके बाल पे हर दिन मलने से, लगाने से, धोने से बाल को, आपके बाल मजबूत काले घने हो जाते हैं और बहुत ही जल्द आपके जो पके बाल रहते हैं वह काले में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका फूलों का प्रयोग पेस्ट बना करके हरड़ के पत्तों को मिला करके कूट पीस करके लगा करके यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसके पत्ते के बारे में बता दे रहा हूँ। इसके पत्ते जो देख रहे हो, इसके पत्ते को यदि आप इकट्ठा करके अपने सिराने पे रख करके सोते हो तो नींद आने की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। हर दिन आपको इसके पत्ते तोड़ तोड़ करके अपने सिराने पे रखना है और सो जाना है, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और नींद आने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसके एक और ज़बरदस्त फ़ायदे बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। आप इसके जड़ देख पा रहे हो, तो आप इसके जड़ देखिए, आप इस तरह से इसके जड़ को निकाल करके इसके जो सफ़ेद सफ़ेद जड़ दिखाई दे रहा है इस जड़ को अच्छे से निकाल लीजिए और इकट्ठा कर लीजिए और इसके जड़ को कूट पीस करके पाउडर कर लीजिए। जब पाउडर कर लोगे तो इसमें लहसुन का रस मिला करके गोली बना करके रख लीजिए। जब गोली बना करके रखे रहोगे तो अचानक किसी को भी बीपी का दौरा पड़ता है तो उसको एक गोली दे दो, तुरंत उसका बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा और उसके हार्ट अटैक की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर इस तरह से इसकी गोली को प्रतिदिन उसको खिलाते हो तो उसको कभी भी जीवन में हार्ट अटैक बीपी जो समस्या रहती है वह कभी भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इसके जड़ के पाउडर बना करके लहसुन के रस में मिला करके इसका गोली बना करके रख लीजिए और इसको उसको प्रतिदिन खिलाइए, एक एक गोली, अगर ज़्यादा हो तो दो दो गोली सुबह शाम गुनगुने पानी या ठंडे पानी के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह से आप खिलाओगे तो जो बीपी वाले प्रॉब्लम वाले समस्या रहती है किसी का भी वह ख़त्म हो जाती है। तो आप इसके जड़ का इस तरह से प्रयोग करके फ़ायदे ले सकते हो दोस्तों, यह बहुत ही अचूक रामबाण औषधि है। तो आप इसे देख करके अच्छे से पहचान लीजिए, नदी किनारों में पानी का जहाँ जमाव होता है वहाँ पर पाया जाता है।